बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर नोटेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम 5 डिजिट से ज़्यादा के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, पहला इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब हमें बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ने में या लिखने में कठिनाई होती है, तो इन नंबर सिस्टम की हेल्प से हम नंबर्स को इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम में बच्चों, जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, उनको ग्रुप किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस चार्ट में देख रहे हैं। इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं। और इसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं, पहले वंस का पीरियड होता है, फिर थाउजेंड का, फिर लाख्स, करोड़, ये पीरियड्स हैं। और वंस में 1, 10, 100 होता है, तीन डिजिट्स होती हैं। उसके बाद थाउजेंड और 10,000, ये थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं। और फिर लाख में 1 लाख और 10 लाख आते हैं, और करोड़ में 10 करोड़ और 100 करोड़ आते हैं। तो इस तरह से ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है। इसके बाद अब नंबर को एबेकस में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स को हम एबेकस में बच्चों बीट्स की हेल्प से शो करते हैं, जैसे कि वंस, टेंस, हंड्रेड, तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो वंस में 3 डंडे बनेंगे, थाउजेंड में 2, लैक्स में 2, करोड़ में 2। तो इस तरह से नंबर जितने होता है उतने बीट्स हम उसमें बना देते हैं और नंबर को इजीली रीड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, जिस तरह से हमने अभी इंडियन सिस्टम पढ़ा, अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, अलग पीरियड्स डिसाइड होते हैं। जैसे एक राइट टू लेफ्ट चलते हैं, वंस के पीरियड में वंस, टेंस, हंड्रेड होता है, इसमें 3-3 डिजिट्स के ही पीरियड होते हैं सारे। फिर वंस पीरियड के बाद फिर थाउजेंड पीरियड होता है, थाउजेंड में हम पढ़ते हैं 1,000, 10,000, 100,000। इसी तरह इसके बाद मिलियन होता है तीसरा पीरियड, जिसमें कि 1,000,000, 10,000,000 और 100,000,000। तो सारे पीरियड्स में 3-3 पार्ट होते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड के। तो अब हम इन पीरियड्स को सेपरेट किस तरह से करते हैं, बच्चों कॉमा लगाकर हम इनको सेपरेट करते हैं। तो अब हम इसको हेल्प से समझेंगे एग्जांपल की। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, नंबर्स है, जैसे यहाँ पर है 26 लाख, तो 2 लाख के कॉलम में है, 10 लाख की तो 20 हो गया, और लाख के कॉलम में 6 है, तो 26 लाख, 30,000 एंड 789, और इसको कॉमा लगा लगा कर, पीरियड का जहाँ पर निशान होता है उसको कॉमा लगाते हैं। इस तरह से हम नंबर को लिखते हैं। और अब यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम नंबर को किस तरह लिखेंगे। जैसे 2 मिलियन, क्योंकि मिलियन के कॉलम में है, 2,543,761। इस तरह से हम नंबर्स को लिखते हैं और 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं राइट साइड से। इस तरह से इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको लिखना है 1 more than 9,999, तो इसमें हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। इस तरह से आप बाकी के पार्ट्स को भी पढ़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, आपको एबेकस में न्यूमरल लिखना है और नंबर नेम लिखना है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 2, और यहाँ पर बीट्स को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो ये हो गया 2,90,000। यहाँ पर 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई बीट नहीं है, तो यहाँ पर 0 होगा, 2,90,356। इस तरह से आप इन बीट्स को काउंट करके अब एकस में नंबर्स नेम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन नंबर्स नेम को लिखना है, जैसे 48,72,613। इस तरह से आप इन नंबर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरल्स लिखने हैं, जैसे कि 48,000 है, तो 48,000, इसके बाद कॉमा, 987, तो 987। इस तरह से आप न्यूमरल्स में नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल कंप्लीट करनी है, जैसे कि यहाँ पर 19 करोड़, तो 19, फिर कॉमा, 40 लाख, फिर 40, फिर कॉमा, उसके बाद 81,000, फिर 81, कॉमा, और उसके बाद 309।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 309। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे 80 करोड़ है तो 88 करोड़ 10 लाख 12,050। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट लिखना है 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे 7, 47 लाख, तो 47,09,004। तो अब बच्चों यहाँ पर 0, 9, 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको इसको अपनी नोटबुक में करना है। इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पीरियड्स डिसाइड करने हैं, कॉमा लगाकर पीरियड्स में इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें किस तरह से स्पेसिंग होगी वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर नेम लिखना है, उसके बाद इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पीरियड बताने हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरल्स लिखने हैं। तो इस तरह ये आपको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज करनी है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में करनी है, इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट को कंप्लीट करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जैसे ये है एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर नेम के हेल्प से इस टेबल को कंप्लीट करना है। 612 मिलियन, तो 612 मिलियन, 240,000, तो 1,000 के पीरियड में 240, एंड 806, तो 806। अब नेक्स्ट में इसी तरह से 72 मिलियन, तो 72,415,000, तो 415,000, एंड 130, तो 130। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और इन नंबर को पूरा पर मार्किंग करके लिखना है। जैसे कि इस तरह से 3-3 डिजिट्स के बाद मार्किंग होती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। वंस, थाउजेंड, मिलियन, इस तरह से पीरियड्स डिसाइड रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको नोटबुक में करना है और इसमें भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके इन डिजिट्स को उसमें एंटर करना है, जैसे हमने अभी एग्जांपल में समझा था। अब हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो बच्चों किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है वो उस डिजिट की पोजिशन पर डिपेंड करता है, और फेस वैल्यू क्या होती है, जो भी कोई नंबर होता है उसकी जो वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू जो होती है, इसमें हम डिजिट्स में प्लेस वैल्यू समझेंगे। जैसे 32,815 है तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वंस की प्लेस पे है तो 5 होगी। 1 टेंस की प्लेस पे है तो 1 × 10 होगी इसकी प्लेस वैल्यू। 8 की, क्योंकि 100 की प्लेस पे है तो 800। 2000 की प्लेस पे है तो 2000, एंड 3 10,000 की प्लेस पे है तो 30,000। इस तरह से उसकी प्लेस को मल्टीप्लाई करके हम नंबर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। अब हम एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों हम पहले भी 4 डिजिट न्यूमरल्स की एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म सीख चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में 5 डिजिट के न्यूमरल्स या 5 डिजिट से ज़्यादा के न्यूमरल्स के भी इस एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। उसी तरह से जैसे हमने 4 डिजिट की पढ़ी थी, उसी तरह से इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती हैं। जैसे कि 45,602 को हम 4 10,000, 5,600, 2 10s और 8 1s इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में हम नंबर को ऐड कर करके उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म है यहाँ पर 3,08,10,000, 5,900, 2 10s एंड 6 1। तो इस तरह से 3 लाख डिजिट्स में हम इसको लिखते हैं, और जब हमें शॉर्ट फॉर्म में करनी होती है तो हम उसको ऐड अप कर देते हैं। जैसे 60,005,720+8, तो 65,728, इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जो आपको नोटबुक में करनी है। इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखें तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पीरियड का नाम लिखना है अंडरलाइन डिजिट की, तो 1, 10, 100, 1000। तो 1 का पीरियड क्या है, 1000 पीरियड है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4, 10,000,
5000 प्लस 600 प्लस 2 tens प्लस 6 ones, इस तरह से इन फिलिंदा ब्लैंक्स को कंप्लीट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म लिखनी है नंबर्स की, तो जैसे 5, 3, 4, 2, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में नंबर को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 31974 में 9 जो है वो किस प्लेस पे है, 100 की प्लेस पर है, तो आपको यहाँ पर 100 लिखना है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको इसका टेबल को कंप्लीट करना है, 8, 10,000, 5,000, 600, 7 tens and 9 ones। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन मतलब बच्चों क्या होता है, किसी भी नंबर का जब हमें सक्सेसर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, नंबर में ऐड वन करते हैं। किसी भी नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उसका सक्सेसर होता है। जैसे कि 58216 का सक्सेसर है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 58217, ये इसका सक्सेसर होगा। अब हम प्रेडिसेसर की बात करें तो प्रेडिसेसर क्या होता है, किसी भी नंबर के जस्ट पहले का नंबर को हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। जैसे कि 59240 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 59239, ये इसका प्रेडिसेसर हो गया। अब हम नंबर को कंपैरिजन करते हैं। बच्चों जब हमारे पास दो नंबर होते हैं या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं तो हमें क्या रूल फॉलो करने चाहिए, जैसे सबसे पहले जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होती हैं वो नंबर बड़ा होता है, नंबर विच कंटेन मोर डिजिट इज ग्रेटर, तो इस तरह से। और दूसरा जैसे आप यहाँ पर इसको पहचान सकते हैं, जैसे इसमें 5 digit हैं और इसमें 6 digit हैं, तो हमेशा 6 digit वाला नंबर बड़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों क्या होता है, जब हम नंबर को कंपेयर करते हैं, जब हमारे बड़े नंबर्स होते हैं तो हम, ये तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऑर्डर में हम लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो अगर सबकी नंबर ऑफ डिजिट बराबर है तो फिर हम पहले वंस के नंबर को कंपेयर करते हैं, जो वंस का नंबर सबसे छोटा होता है वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर टू, जैसे इसमें 5 digit हैं तो 5 digit वाला जिसमें नंबर कम है वो सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से हम नंबर को अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम न्यूमरल्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट की फॉर्म में लिखकर अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। प्रीडिसेसर के लिए 1 माइनस करेंगे तो 43449, और सक्सेसर में 1 प्लस करेंगे तो 43451, इस तरह से हम प्रीडिसेसर और सक्सेसर लिख सकते हैं नंबर्स के। अब कंपेयरिंग में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का मार्क करना है, तो इसमें जिस नंबर में कम डिजिट होती है वो हमेशा छोटा होता है। विच कम्स बिटवीन, अब इनके बीच में क्या नंबर आता है, 49279, इस तरह से आप जो भी हमने अभी पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिजिट्स को सिर्फ एक बार लिखकर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर बनाना है। बच्चों जब हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, जैसे कि 1, 4, 5, 6, 9, और जब हम नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिलता है, जैसे कि 9, 6, 5, 4, 1, इस तरह से आप नंबर को अरेंज करके स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको प्रीडिसेसर, सक्सेसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है और कंपेयर करना है और ट्रू फॉल्स बताना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिसलेनियस प्रॉब्लम है, सब जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर मिक्स। जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में मैचिंग करनी है, 1 million इक्वल टू क्या होता है, 100,000 इक्वल टू क्या होता है, जो जो भी हमने प्लेस वैल्यू चार्ट से पहले पढ़ा था वो यहाँ पर आपको मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल कंप्लीट करनी है, जैसे न्यूमरल दिया है उससे 100 ज़्यादा क्या होगा तो उसमें 100 प्लस करके लिखना है, 1000 मोर क्या होगा उसमें 1000 की प्लेस में 1000 ऐड करना है, इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसके बाद पीरियड्स के मार्क लगाने हैं, इंडियन सिस्टम में क्या मार्किंग होगी, जैसे 8, 5, 3, 2, 1, 6, तो इसमें 3 के बाद इधर 2 के बाद, और इंटरनेशनल में क्या मार्किंग होगी, 8, 5, 3,
216 है, तो इसमें तीन तीन के बाद कॉमा लगता है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट डिजिट जो हमने अभी पढ़ी दी हुई न्यूमरल्स की, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और थ्री डिजिट्स के जितने भी पॉसिबल नंबर हैं वो लिखने हैं, जैसे 246, 264, 462, 426, इसी तरह से 642 एंड 624। इस तरह से आप नंबर को लिख सकते हैं। आप नेक्स्ट काउंटिंग में आपको दो दो करके ऐड करके इनके दो नंबर जो दिए हुए हैं इनके बीच की काउंटिंग लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैटर्न ऑब्जर्व करके चार नंबर लिखने हैं। जैसे आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, इसमें 100 100 प्लस किया है पहले नंबर से दूसरे नंबर के बीच में, तो आपको जो लास्ट नंबर है उसमें 100 प्लस करके लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 48860। इस तरह से आपको नेक्स्ट नंबर चार चार नंबर्स लिखने हैं। इसी तरह से इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, जैसे 5000 प्लस 6000 तो कितना हो जाएगा 11000, तो 110000 और 1000, इस तरह से आपको इसको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है और अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू जो आप लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों नंबर्स के बारे में, आई होप समझे होंगे आप। थैंक यू।